IPL करने के लिए हमको कैपेसिटी ऑफ 35,000 चाहिए, विच वी हैव। जंगल में मंगल, वो हिसाब से हमने ये बनाया। कोई आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, बोले ये तो ग्राउंड टकला हो गया, अभी क्या करने का, खेल के खाया। बिकॉज पहले बनाया था, अभी उसको मेंटेन नहीं हुआ। अगर ग्राउंड के लिए कुछ झगड़ा करूंगा तो आई डोंट माइंड, कोई भी बड़ा लीडर भी हो तो आई फाइंड। मैं भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये बात एक नसीने साहब से के कानों में जाएगी और या म्यूनसिपल कमिश्नर के कानों में बात जाना चाहिए और उनको एक स्टेप आगे आना चाहिए, सी दैट दिस ग्राउंड शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। जैसे आपको पता है कि ठाणे शहर में ये 1984 में ये स्टेडियम बना और यहाँ क्रिकेट चल रहा था इतने सालों से, 84 से लेकर 2017 तक। तो जब से 2017 में नदीम मेमन जी ने इस ग्राउंड के वो ग्राउंड इंचार्ज बने और तब से इन्होंने जो भी बदलाव लाया है उसके बारे में हम नदीम जी से अभी बात करेंगे। नदीम भाई, आप मुझे बताइए कि 2017 में जो है आपने दादोजी कोंडदेव स्टेडियम का चार्ज लिया और उसके बाद जो है ये जो बदलाव हमें दिख रहा है लास्ट 5-6 साल से, तो ये कैसे आपका ये जर्नी जो है 6 साल का, वो कैसे गुजरा? आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये लश ग्रीन आउटफील्ड है, बहुत अच्छी विकेट है, काफ़ी लोग इसके विकेट के बारे में, कैरी के बारे में तारीफ करते हैं। तो आप हमें प्लीज़ बताइए कि ये 6 साल जो है 2017 से जो है आप इस स्टेडियम से जुड़े रहे हैं, तो आपका जर्नी के बारे में हम लोग बात करने के लिए सर आए हैं। जर्नी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। यहाँ जब मैं आया, देखा, एक दिन मुझे किसने बुलाया था और यहाँ कुछ सिलेक्शन ट्रायल्स का, कुछ बॉम्बे MCA का जो एंड आई वॉज अ कमिटी मेम्बर, तो मैंने आके देखा तो यहाँ ये सब दीवार फेंसिंग कुछ नहीं था और एथलेटिक का जो ट्रैक था वो कम्प्लीटली अनइवन था और कुछ जिससे आउटफील्ड भी काफ़ी इंपैक्ट हुआ था, वो ख़राब हुआ था और एक बीच में छोटा सा विकेट था जो 4 या 5 विकेट थे उसको ही वो लोग पानी मारते थे और विकेट बना के देते थे। नो प्रैक्टिस विकेट, नथिंग। इवेंट्स होते थे पॉलिटिकल और इवेंट शो होते थे और प्लस एनीबडी कैन डू एनीथिंग, एनी कॉर्पोरेटर कैन बुक द दिस एंड दे शुड हैव टेनिस बॉल टूर्नामेंट और समथिंग लाइक दैट। इसमें कुछ था मतलब जलसा होता था, एक अलग बर्थडेज होते थे। यहाँ का था तो बहुत हालत खराब था। तो 2017 में आप आए तो आपका अप्रोच किससे हुआ? अप्रोच वहाँ के एक्स मेयर, जो मेयर अभी एक्स मेयर थे, उनसे मेयर साहब से बात हुई। उनसे मेयर ने फिर हमारे जो वो टाइम शिवसेना के जो लीडर थे शिंदे साहब, जो अभी CM है, उनने उनसे बात किया कि नदीम आया है, आपसे कुछ चर्चा करना चाहता है। तो ठीक है, तो बात हुई थोड़ी बहुत, फिर बाद में बात ख़त्म हो गई। फिर वापस दूसरे मेयर आए, तो दूसरे मेयर आए, मतलब उनने बात किए। अच्छा। तो हमारे दोस्त एक कॉमन फ्रेंड थे, उनके साथ मीटिंग हुई। फिर उनको वापस हमने प्रपोजल दिया कि अगर आपको करना है तो यही हिसाब से, यू हैव टू सी दैट ऑल शुड बी स्टॉप एंड यू हैव टू कम टू ए प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम जो होता है, जैसे मेंटेन होता है, उसको आपको करना होगा। तो बोलते अच्छा ठीक है, चलो हम लोग ये सब कर लेते हैं, पर आप हमको बताइए ये इसको रिसोर्ट कैसा करेंगे, बिकॉज ये इज वेरी डिफिकल्ट, ये वाइट हाथी है और इसको मेंटेन करना है, ये करना, तो सब आप बताइए। तो फिर मैंने उनको बोला कि हमारा जो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बोला कि एक बजट बनाता हूँ मैं, बजट देन आई मेड अ बजट एंड गिव टू देम टू द TMC थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहाँ कमिश्नर थे, बहुत अच्छे थे। हाँ, वो उन कमिश्नर साहब ने उनने वो खुद क्रिकेट खेलते थे जसवाल साहब। हाँ, जसवाल। हाँ, तो जसवाल साहब वॉज वेरी वेरी कीन टू प्ले क्रिकेट एंड ही टोल्ड मी नदीम आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट बिफोर गोइंग फ्रॉम हियर। अच्छा। सो एक चीज़ है कि तुम बना के दो, मतलब सर ये बोला तो नो डाउट आपका बजट तो ईजी है, हम लोग कर लेंगे। फिर देन अगेन वी मेट CM टुडे CM, दैट टाइम ही वाज द लीडर, शिंदे सर को वाज द मिनिस्टर फॉर गाइडेंस, मिनिस्टर ऑफ थाने। यस। सो अगेन वी मेट हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट व्हाई डोंट यू कम गिव अस सम फंड, बिकॉज यू आर अ सिटी गाइडेंस मिनिस्टर, वी नीड सम फंड दैट वी शुड हैव दिस एंटायर। जो छपरा जो है काफी अच्छा छपरा है, ये बॉक्सेस जो है, ये तो मतलब टोटली सीरेट चेंज है, ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये चीज़ें, ये बॉक्सेस है और ये ड्रेसिंग रूम है
क्योंकि जो तब था और अब था ये काफी इसमें ड्रेसिंग रूम है अभी ये पूरा छपड़ा जो है अभी तो लाइट्स भी लगे हुए हैं ना पूरा छपड़ा और इसके बाद फ्लड लाइट का तो उन्होंने इमीडिएटली यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ओके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है वो आके वो टाइम जब ही वाज नॉट अ सीएम आल्सो राइट हाँ उन्होंने बोले क्या क्या चीज़ जो जो हमने मैंने बताया उनको वो इन्हें बजट लाओ तो 20 करोड़ का बजट इमीडिएटली उन्होंने सेंक्शन किया ओके और प्रेस बॉक्स भी सामने है अच्छा वो बड़ी मैसिव कर सकते हैं प्रेस बॉक्स वहाँ है पूरा 150 आदमी बैठ सकते हैं राइट राइट दिस इज एब्सोल्युटली और आज वानखेड़े में जो प्रेस बॉक्स है हाँ उससे अच्छा है ओके आज की तारीख में फैसिलिटीज वाइज यहाँ स्टेडियम जो देखिए क्लीन एंड नीट रहता है वैसे वी चेक वी हैव अ लवली 6 बॉक्स एसी बॉक्स फॉर मैच ऑब्जर्वर मैच रेफरी एम्पायर्स एंड सिलेक्टर्स कोई भी आता है या वीआईपी कोई आते हैं तो उनको हम लोग के पास वी गॉट लवली सीटिंग है एंड अदर साइड ऑल्सो सो ये एंटायर जो रिनोवेशन जो हुआ ये एक किस्म का एक है ना वॉर फुटिंग भी हुआ और बहुत मेहनत गई है इसमें ये 2 साल से हुआ है लेकिन जहाँ तक ग्राउंड की बात है 2017-18 बीच में कोविड भी आया 2 साल तो ये ग्राउंड जो आपने बनाया वो कितने पीरियड में बनाया ये ग्राउंड जो है मैंने हार्डली 8 महीने के अंदर तैयार किया ओके द थिंग इज दैट एज सून एज आई गॉट वर्क ऑर्डर होने के बाद जो स्क्रैपिंग का काम था वो दिन चला ओके फिर पिच का काम था हमारे जो दादा अभी तुकाराम सुर्वे जो उनने नारियल तोड़ा था अच्छा वो आदमी अब नहीं है हमारे बाबा सुर्वे थाने के राजा आदमी तो उनने किया और उनने आके देखा नदीम तू कैसा कंप्लीट करेगा यहाँ हालत देख तू मैं चल नहीं सकता हूँ इतना अबलिंग है राइट चलना नहीं होता पैर मुड़ने का डर है तो मेरे सर बाबा साहब हो जाएगा सो वो स्ट्रेस से लेके आज हम लोग ने जो बोलते हैं जंगल में मंगल हाँ। वो हिसाब से हमने ये बनाया 7 से 8 महीने में हमने इसको तैयार किया आज वानखेड़े में यहाँ पॉपअप स्प्रिंकलर नहीं है वानखेड़े में राइट जो ये स्टेडियम में है वानखेड़े के अंदर जो सिस्टम ऑफ साउंड सिस्टम राइट हाँ जो सिस्टम ऑफ द बॉक्सेस हाँ वो हमारे पास है जो उनके पास नहीं है वो बॉक्सेस हैं तो वो क्लाइंट है उनके राइट right, right, हमारे पास जो है वी कैन एनी टाइम एकोमोडेट एनी बीसी मैचेस या और हमारे अभी एट राइट नाउ अंडर 23 की बीसी की मैचेस चालू है विजय हजारे ट्रॉफी या दिस इज द 6th टूर्नामेंट वी आर हैविंग ऑन दिस ईयर कि आगे 2 साल तो तुमने बोला हाँ यहाँ तक कि कोरोना के टाइम भी कोहली की टीम आती है प्रैक्टिस करने को KKR यहाँ प्रैक्टिस करी पंजाब यहाँ प्रैक्टिस करी यहाँ राजस्थान रॉयल यहाँ प्रैक्टिस करी 6-7 टीम दे कम या एंड दे वांट टू कम या बिकॉज दे गॉट एवरीथिंग वी हैव लवली प्रैक्टिस विकेट्स बोथ द साइड ओके एंड वी हैव लवली 10 विकेट्स मैच विकेट्स अभी ये जो है पहले हर्डल था ना कि ये जो था ये एथलेटिक्स ट्रैक जो है मुझे दिख रहा है कि ये एथलेटिक्स ट्रैक है ये भी आपने उनके लिए सुविधा करके हाँ ये तो बहुत ये जो प्रॉब्लम था यहाँ का डिस्प्यूट यही था पहले तो ग्राउंड पे अभी भी वो लोग रोज है ना सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा आते ही है लेकिन वो स्पाइक्स की वजह से हाँ तो स्पाइक्स जो स्पाइक्स वी आर नॉट अलाउइंग स्पाइक्स था ओके बस जो भी है वो ट्रैक बना के दिया जो है ना अपने जो एथलीट के लिए कंपलसरी होता है राइट वो ट्रैक वो ट्रैक पूरा है वी हैव मोर देन 350 मीटर्स ओके सो दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम देयर एंड एमएचएस लोग है जो है वो लोग करते एंड दे गॉट ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज आउटसाइड व्हेन द मैच इज देयर दे आर डूइंग आउटसाइड राइट व्हेन दे वांट टू वार्म अप और समथिंग लाइक दैट वी गिव देम फ्रॉम हियर टू देयर इन द इवनिंग और मॉर्निंग Achha. 1 hour or 2 hours, they come here, they take the permission from the TMC and they do it. So that we don't deprive anybody, Achha. We give them. But the ground, we have to save. Now the thing is that the ground, jo hai, it should be like international ground. Okay. Aur international ground ke liye maine jo mehnat kiya hai, aur bahut kam paise mein ye itna achha bana hai. Abhi isko itna hi hai ki khali isko maintain karna chahiye. Exactly. Aur iske upar discipline aana chahiye ki jo matches jo hai, usko control karna chahiye. We just go on playing, then the wicket will not last for long. Exactly. इतना है कि ये coordination जो है कभी कभी disturb क्यों होता है कि कुछ officer हमारे होते हैं वो transfer हो जाते हैं तो नए आते तो नए कुछ आते हैं कि उनको क्या है कि टीम सी है बोले तो मीन्स एडवांस बुकिंग बोलते ना वैसे बुकिंग कर दिया जाते हैं सो दैट दे गेट मनी सो दिस शुड बी स्टॉप एंड देन द रेस्ट इज ये जन्नत है और जन्नत वो क्रिकेट की जो है एक्चुअली जो हिसाब से थाना कर के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी मॉर्निंग में थाने करके लोग ही सुबह 2 आते
शाम को दो आते हैं तो ऐसे लोग प्रैक्टिस करते हैं और उनके पास क्वालिटी क्रिकेट कोचिंग होता है ऐसा स्टेडियम में कौन अलाउ करता है क्रिकेट बच्चे लोगों को खेलने के लिए तो रोज़ 50 बच्चे सुबह आते हैं रोज़ 50 बच्चे शाम को आते हैं वो सब थाने करके ही आते हैं और किधर के नहीं आते और कोच भी तो थाने के रहते हैं स्कूल टूर्नामेंट हम करते हैं यहाँ कंटिन्यूसली तो ये स्कूल टूर्नामेंट हम फ्री ऑफ चार्ज देते हैं यहाँ इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते हैं अंडर 16 अंडर 14 दोनों हम लोग यहाँ करते हैं लेडीज़ का टूर्नामेंट सब यहाँ होता है अभी 9 तारीख से वापस टूर्नामेंट चालू बीसीसीआई का वुमेंस ट्रॉफी भी अभी वुमेंस चालू बीसीसीआई का चालू मीन्स सी ये आने से ना बहुत से सुविधा आ गई है और क्या क्रिकेट में ना ईजी हुआ है तो द थिंग इज दैट वी हैव एंड स्कूल क्रिकेट स्पेशली हैव कम हियर एंड देयर बॉयज आर वेरी हैप्पी वट आई कम बिकॉज आई एम ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड आई ऑर्गेनाइज हरीश एंड गाइश बिकॉज वो स्कूल जो है स्कूल में से ही हम लोग बच्चे का फाउंडेशन खड़ा करते हैं और उनको वहाँ से पहला सीढ़ी देते हैं क्रिकेट के अंदर बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने आप अभी मुझे ये बताइए कि वॉट इज़ द वे फॉरवर्ड टू दादोजी कोंडे स्टेडियम हम लाइट्स देख रहे हैं मतलब 2024 का IPL हम यहाँ सोच सकते हैं क्यों नहीं देखो IPL करने के लिए हमको कैपेसिटी ऑफ 35,000 चाहिए विच वी हैव यस यस फैसिलिटीज प्रेस बॉक्स चाहिए हमारे पास है yes, हाँ. आपके पास VIP बॉक्स चाहिए हमारे पास है फ्लड लाइट तो बहुत बढ़िया है वांकड़े के टक्कर में है राइट इट इज़ ए टक्कर ऑफ वांकड़े स्टेडियम राइट सो इट इज सेम इट इज डिजिटल समझा सो द थिंग इज दैट एवरीथिंग इज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी जो फ्रेंचाइज है हमने तो हमारा काम कर दिया हमने हमारा काम कर दिया और हम रेडी है अच्छा. कि एक्सेप्ट करने के लिए चैलेंज आइए बिकॉज IPL की टीम यहाँ आके खेलती है यहाँ आके प्रैक्टिस करती है और वो खुश होकर जाती है सो द थिंग इज दैट ऑल थिंग्स हैव टू बी प्लान एंड अकॉर्डिंग टू प्लान क्रिकेट शुड बी ऑर्गेनाइज और अभी क्या है कि फिलहाल ऐसा है कि हम लोग TMC है और TMC को क्या है जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को उनको एक बजट दिया जाता है कि इतने साल एक अक्के साल में इतना पैसा कमाने का तो कमाने के लिए कभी कभी है ना हमारा ग्राउंड पे लोड आता है हमारा नुकसान होता है वी हैव टू टेक केयर ऑफ ये इतनी बढ़िया चीज बनी है तो वो प्रॉपर मेंटेनेंस कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट TMC स्पोर्ट्स एंड कंसल्टेंट स्पोर्ट्स ग्राउंड कंसल्टेंट क्रिएटर शुड कोऑर्डिनेट कौन सा मैच है कभी खेलना है ग्राउंड को कितना रेस्ट देना है ग्राउंड में पानी मारने के लिए टाइम होना चाहिए अभी एक महीना कंटिन्यू तो मैच दे दोगे डेढ़ महीना मैच दे दोगे तो ग्राउंड का हालत क्या होगा भी आप मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा ग्राउंड मेंटेन करना आपने क्रिएट तो बहुत अच्छा किया विकेट भी बहुत अच्छा है लेकिन ये जो टोटल आउटफील्ड भी मेंटेन करते तो आपके स्टाफ कितने हैं मतलब देखो ऑफिशियली देखने जाए तो हमको स्टाफ 5+1 है अच्छा लेकिन वो पॉसिबल नहीं है वो इतना नहीं बड़ा आज 12 स्टाफ यहाँ काम करते हैं ओके अगर ग्राउंड के लिए कुछ झगड़ा करूँगा तो आई डोंट माइंड कोई भी बड़ा लीडर भी हो तो आई फाइट बिकॉज द थिंग इज दैट यू हैव अगर ग्राउंड रहेगा तो भी तुम रहोगे एग्जैक्टली इतना मेहनत करके क्रिएट किया है उसको प्रॉपर मेंटेन कोई आएगा करना नहीं बहुत जरूरी वापस है। कोई आएगा नहीं कोई आएगा नहीं बोले ये तो ग्राउंड टकला हो गया अभी क्या करने का खेल के खाया बिकॉज पहला बनाया था अभी उसको मेंटेन नहीं हुआ तो ये बात नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी कुछ पेपर वाले जर्नलिस्ट लोग दिया आफ्टर मी टू गिव मी द स्टेटमेंट व्हाट इज हैपनिंग व्हाट अबाउट द टेनिस बॉल टूर्नामेंट एंड व्हाट अबाउट दिस आई से आई डोंट नो एनीथिंग आई एम जस्ट मेंटेनिंग दैट्स ऑल इतना ही बोला बिकॉज क्या है कि बाटर इनके हाथ में द बॉल इन द कोर्ट बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द स्टेडियम दे आर द डिसीजन मेकर्स सो वी आर समवेयर हेल्पलेस मेंटेनेंस तो करते ही है लेकिन सर हमें पूरा विश्वास है जैसे नदीम जी ने बताया लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे जी जो है वहाँ उनके तक तो ये बात जरूर पहुँचेगी और मुझे पता है कि वो जो है 110% सपोर्ट जो है इस ग्राउंड के लिए करेंगे यहाँ की मेंटेनेंस के लिए करेंगे और ठाणेकर जो है उनके लिए जो है इतनी ये बहुत प्राउड चीज़ है और वी आर रियली प्राउड कि ठाणे में दादोजी कोंडे जैसा स्टेडियम जो है सर आपने इतना बढ़िया मेंटेन किया है आने वाले दिनों में भी जो है भी, आप ये चीज़ें बरकरार मैं भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये बात एक नसीने साहब से के कानों में जाएगी और या म्यूनसिपल कमिश्नर के कानों में बाल जाना चाहिए और उनको एक स्टेप आगे आना चाहिए सी दैट दिस ग्राउंड शुड बी मेंटेन प्रॉपरली एंड एक्टिविटीज हैव टू बी डन क्वालिटी क्वालिटी एक्टिविटीज शुड बी टेकन प्लेस इन ठाणे बिकॉज दिस इज लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम टुडे आई कैन कंपेयर दिस स्टेडियम विद CCI एंड वांकड़े एंड DY पाटिल बिकॉज दिस विकेट्स आर सो ब्यूटिफुल एंड वांकड़े के जो विकेट्स है उसको कंपेयर करता है बॉलर के पास कुछ ना कुछ है इसमें बिकॉज ही क्रिकेट हैज टू बी देयर फॉर एवरीबॉडी इट शुड बी 60 और T20 में 70-30 होना चाहिए पर एटलीस्ट बॉलर्स को कुछ नहीं बॉलर लाइक बॉलिंग मशीन के वहाँ बॉलिंग करते जाएगा और वो छक्के और चौके मारेगा तो यहाँ इंटरेस्टिंग होता है 50 ओवर में
230 रन होते हैं 50 ओवर्स में और 9-10 विकेट जाती है। अच्छा। और चेस करने के लिए भी उनको 80-50 ओवर खेलना पड़ता है, अराउंड एक दो ओवर के अंदर ही बना देते हैं, 46 ओवर में वो लोग 230 बनाते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट, एवरी वे यू फाइंड अ गुड स्टेडियम। वो लोग हाथी को पाल के रखते हैं, बिल्कुल, पर हाथी काम भी होना चाहिए ना, काम भी आना चाहिए। अभी यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है वो कोई स्टेडियम में हो तो वहाँ विकेट ही बचेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्टिविटीज अभी मैं आपको बताऊंगा, डेढ़ महीना कंटिन्यू हम लोग मैच खेले। अच्छा। तो आप बोले हाँ ऐसा हो जाएगा, तो हम लोग खेले और हमने मेंटेन भी किया। यस सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे सर जी ने कहा कि 22 यार्ड का स्ट्रिफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो मैं बरकरार और मेंटेन रखने के लिए जो है उसको प्रॉपर रेस्ट देना भी ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में हम नदीम साहब से जो है, और देखिए क्यों एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत है, ठाणेकर को भी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इस टोटल स्टेडियम का हुआ है, आप यहाँ ग्रास रूट लेवल पर काम करते हो और नेचुरली CM साहब जो है, शिंदे साहब जो है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी वो सपोर्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये बरकरार चीज जो है और अच्छे लेवल पे अच्छी डिसिप्लिन हैव टू बी मेंटेन्ड एब्सोल्युटली व्हाइल अलॉटिंग द ग्राउंड्स। एग्जैक्टली, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स टॉकिंग टू यू सर, नाइस मीटिंग यू, थैंक्स अ लॉट, बिग मैन फ्रॉम सो दैट्स इट। नदीम सर जो है हमसे बात कर रहे थे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज़ें जो है वो प्रॉपरली टेक केयर की जाएगी, और ठाणेकर जो है, ठाणे वासियों के लिए जो है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड जो बना हुआ है वो वैसे ही और तरक्की करेगा और विकेट्स अच्छी हो जाएगी, और वो आने वाले दिनों में हम लोग ये देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल से जुड़े रहने के लिए। अगर ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इमीडिएटली, और जो बेल आइकॉन भी जो है वो दबाइए और शेयर भी कीजिए। Thank you.